बुलंदशहर में दिल्ली बदायूं स्टेट हाईवे पर बुधवार शाम एक रोडवेज बस ने 3 छात्रों को रौंद दिया, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर हंगामा शुरू कर दिया और रोडवेज बस में आग लगा दी। बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। 3 बच्चे थे हमारे और वो आ रहे थे बुलंदशहर से ट्यूशन पढ़ के, और उधर से आगे में जतूरी गांव पे रोडवेज ने उन्हें रोंग साइड से लिया है, रोंग साइड से कट मारा है, उसमें घुसा दिया, स्कूटरी में घुस गई, स्कूटरी बिल्कुल उसमें मिली पड़ी है रोडवेज के टायर के नीचे। तो जो छात्र है इनके मेहनत करती है, जो स्कूटी में खत्म है, तीनों खत्म, नॉन स्टॉप, तीनों मौके पर, हाँ मौके पर खत्म। अच्छा अच्छा, ये फिर बस जो थी रोडवेज, हाँ वो भी मतलब देख रहे हैं हम, वो जल गई है। हाँ हाँ, कैसे फिर गुस्सा ही लोगों ने, वो गांव के लोगों को जैसे ही गुस्सा आया है, हाँ। उसी तरीके से उन्होंने स्वाग दिया। उसमें भी सवारी है किसी को? नहीं 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 अच्छा, वो खाली सब उतर गए थे, सब चालकों को उतार दिया है प्यार के साथ में कि आप अपने उतर जाइए, गुस्सा गाड़ी से निकल, गाड़ी ये बताइए कि ड्राइवर भाग गया था। ये थाना सलेमपुर एरिया में एक दर्दनाक हादसा हुआ, इसमें एक रोडवेज बस से एक्सीडेंट हुआ। रोडवेज बस ये बुलंदशहर की तरफ जा रही थी, उधर से स्कूटी से 3 बच्चे सवार थे। एक्सीडेंट में 2 बच्चों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई, एक हॉस्पिटल में डेथ हुई है और डेड बॉडी मर्चरी के लिए भिजवा दिया गया है। और बसों में एक बस और 2 बसों में इन्होंने कुछ तोड़फोड़ किया है गांव वालों ने, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, हम लोग जल्द ही वैधानिक कार्रवाई करेंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे। सर, जिस बस में आग लगी की गई है उसमें यात्री भी सवार रहेगी या किसी यात्री को और भी चोट आई हो? नहीं, किसी और यात्री की अभी तक सूचना नहीं प्राप्त हुई है और हम लोग देख रहे हैं, और बस में यात्री जरूर सवार थे लेकिन सब लोग अपने घरों को जा चुके हैं। ये छात्र बताए जा रहे हैं ट्यूशन से लौट रहे हैं?